हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस एंड टुडे वी आर हैविंग द टेंथ पार्ट ऑफ ये पढ़ा क्या सीरीज वो क्वेश्चंस जो छुपे होते हैं कहीं अलग होते हैं कुछ अलग होते हैं जहां पर आपको टेंशन वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं

एक आता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा आता है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे इन इकोनॉमिक सेंस तो ये बैलेंस नहीं होता कभी भी ये ध्यान रखिए बट वेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग देन आई थिंक इट वुड बी अ वेरी इजी थिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स क्योंकि जब भी वो कोई टी शेप अकाउंट बनाते हैं तो वो उनको हमेशा पता है कि वो हमेशा बैलेंस होता है तो टीशेप अकाउंट जब भी बनता है तो वो बैलेंस करते ही करते हैं उसको सो दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग आई थिंक इन अ बेटर मैनर रादर देन और एज कंपेयर टू द्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स और साइंस स्टूडेंट्स तो साइंस और ह्यूमैनिटीज सेक्शन के लिए भी मैं बता देता हूं ये उन बच्चों के लिए भी बता देता हूँ सो दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड यानी कि ये करेक्ट है एज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यानी कि जिस तरीके से अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाए जाते हैं सेम उसी तरीके से बीओपी में भी अकाउंट बनाया जाता है इसमें भी दो साइड होती है पहली क्रेडिट साइड और यहाँ डेबिट साइड अच्छा ये भी प्रॉब्लम है अकाउंट्स के बच्चे ये बोलेंगे यहां तो डेबिट आता है और यहाँ क्रेडिट आता है लेकिन बीओपी में उल्टा होता है ये आपको समझने की जरूरत है तो अगर कोई भी डेफिसिट या सरप्लस यहाँ पर क्रिएट होता है दैट इज बेसिकली करेक्टेड थ्रू ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या होती है सॉरी uh, uh, यहां पर अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट आता है प्लीज ये स्टेटमेंट अच्छे से सुनिएगा इफ एनी डेफिसिट और सरप्लस इज अकरिंग ड्यू टू ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन अगर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन की वजह से कोई सरप्लस या डेफिसिट होता है तो वो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू पूरा किया जाता है Uh, मैंने इससे पहले बोला था ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बट ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन नाम से ही पता लग रहा है टू अकोमोडेट टू हेल्प तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आर देयर टू करेक्ट द सरप्लस और डेफिसिट विच इज अकरिंग देयर और विच इज अपियरिंग देयर इन दी बीओपी अकाउंट तो बैलेंस कर दिया जाता है यहां पर

ट्रांजेक्शन बट यहाँ पर डिफरेंस जो है वो दो हजार का है तो दो हजार की हम कोई ऐसी डेबिट एंड क्रेडिट तो हर एक अकाउंट जो है बीओपी अकाउंट की भी बात करें इंक्लूसिव ऑफ बीओपी अकाउंट दे आर बैलेंस्ड इट इज बैलेंड अकाउंटिंग सेंस तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था uh, मैं ये नहीं कहूंगा कि हट के क्वेश्चन है बट ये कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर uh, करते हैं uh, नहीं पढ़ते हैं ध्यान नहीं देते हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप स्टेटस की फॉर्म में शेयर कर दीजिए वी लव टू सी दूस Uh, you know, and we love to see the likes on our video. तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए As a फेवर बाकी अगर आप चाहें तो हमें social handles पर follow कर सकते हैं जाएंगे क्लासेस के नाम से ही hi और aur fb पर हमारा social handle है आप चाहें तो टेलीग्राम और WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक given है सो so that कोई भी सीबीएसई के सर्कुलर आते हैं जिनके ऊपर मैं videos नहीं बना पाता हूँ तो आई कैन मेक यू अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो डाउट uh, है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और उसका रिप्लाई जरूर करता हूं so आप बेफिक्र कमेंट करें लाइक like जरूर करें शेयर जरूर करें चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट यू पीपल विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन Take care and keep watching Manoj Jangiri classes, all of you. Thank you so much for giving your precious time.